हेलो गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो, सब बढ़िया? ओके, जय महाकाल जी। गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार नमस्कार सभी दोस्त। अरे भैया, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ यार। चलो आप लोगों से ईशा, आकांक्षा, राहुल, दिशा, पुष्पेंद्र, मीरा, दिव्या, सौरभ, अरुण, शीतल, शीतल एस के, अरुण, सचिन, मुस्कान, शिवानी, गरिमा, स्वाति, सी ए, सौरभ, शिवानी, महिमा, पायल, विभा, पवन, प्राची, प्रियांशु, डॉली, प्रिंस। ओके गाइस, निकिता, मनु, कैसे हैं गाइस सभी लोग? बताओ, सब बढ़िया? ओके, तो हर दिन की तरह मैं यही पूछूंगा कि कैसे हैं आप लोग। और जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे हैं आप लोग, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपका हाल चाल पूछ रहा हूँ। वो तो पूछ ही रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आप सभी लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। थैंक यू यार विशाल। ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर अब भी आपने प्रिलिम्स की तैयारी शुरू नहीं की है, तो दिस इज नॉट द बैड टाइम। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जो भी मटेरियल आपके पास है, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन और तैयारी शुरू कर दो। स्पेशली मध्य प्रदेश को, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करो। यूनिट 9, यूनिट 10 हमेशा की तरह, जैसे ही एग्जाम आएगा मैं आपको दोबारा से कवर कराऊंगा, ये बात आप याद रख लो। ठीक है, जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, हम यूनिट 9 और 10 दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और करंट अफेयर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं 50 दिनों में। और आज उसकी 10वीं क्लास है, 10th नंबर की क्लास है। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप के बारे में हम सामान्य जानकारी, स्थिति और ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और प्रमुख देश हम पढ़ रहे थे, मेजर कंट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लास शुरू करने से एक पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी अभी आपको याद होगा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल शुभम गुप्ता PDF पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। दोस्तों, वो स्क्रीनशॉट में एक ऐप है, वर्ल्ड मैप क्विज। क्या नाम है? वर्ल्ड मैप क्विज। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो उसमें क्या करोगे, जैसे ही आप गेम वाले सेक्शन में जाओगे, तो MCQ नहीं है उसमें, गेम वाले सेक्शन में आप जाना और फाइंड करके लिखा होगा। तो जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे, आप एशिया महाद्वीप पे क्लिक करना, एशिया पर क्लिक करना, तो वो आपसे एक देश का नाम दे देगा। वो आपके सामने पूरा वर्ल्ड मैप रखेगा और वर्ल्ड मैप रखने के बाद तुरंत आपसे पूछेगा कि बताओ नॉर्थ कोरिया कहाँ है, तो जल्दी जल्दी आपको नॉर्थ कोरिया ढूंढना पड़ेगा। बताओ चाइना कहाँ है, तो जल्दी जल्दी आपको चाइना ढूंढना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है, जैसे ही आप उसका सही जवाब ओके, तो दोस्तों तुरंत वो आपको उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा बताएगा। तो वो पढ़ लेना है कि कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी क्या है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। उसमें परचेज का ऑप्शन है, पर परचेज करने की जरूरत नहीं है। जितनी सारी चीजें उसमें फ्री दी हैं, आप उनको पहले कंप्लीट कीजिएगा, परचेज वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इंस्टॉल कर लिए हो ऐप, बहुत अच्छी बात है। आज क्लास के बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देशों को रिवाइज करते हैं और फिर नए टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज हमें एशिया महाद्वीप के सारे देशों को खत्म करना है। आज की क्लास छोटी होगी कल के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, हम एशिया का महाद्वीप देख रहे थे। फटाफट मेरे साथ देखो यहाँ पर चीजों को, एक बार मैप में और एक बार बिना देखे। अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले, जस्ट स्मॉल थिंग, अगर आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, प्लीज यूज माई कोड SGLive दोस्तों, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और स्पेशल क्लास देखने के लिए भी आप मेरा कोड SGLive यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने कहां से शुरू किया था। सबसे पहले हमने रशियन फेडरेशन से शुरू किया था, रूस के बाद दोस्तों। अच्छा, पहले सही कह रहे हो, एक बार ब्लैंक मैप में हो जाए, फिर अपन देखेंगे मैप को। ठीक है, एक बार ब्लैंक मैप में देख लो पहले चीजों को, ये देखो। ओके, तो हमने शुरू कहां से किया था, ये रूस है। रूस के बाद हम मंगोलिया गए थे, मंगोलिया के बाद चाइना, चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद जापान, जापान से ताइवान, ताइवान से फिलीपींस, फिलीपींस से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर से ब्रुनेई, ब्रुनेई से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम, वियतनाम से लाओस, लाओस से म्यांमार, म्यांमार से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव, मालदीव से भारत, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से भूटान, भूटान से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान, तजाकिस्तान से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से हम आ गए थे ईरान। कहां पर आ गए थे दोस्तों? ईरान। तो इतने देश ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इतनी कंट्रीज को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एक बार और अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लो दोस्तों, जैसे आशिकी है वैसे ही बिल्कुल पढ़ाई होती है, दोनों में अंतर नहीं है दोस्तों। हालांकि आशिकी में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई भी उसी स्तर की होती है, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, चलो रूस, रूस देख लो भैया, इतना बड़ा सा आपको रूस दिख रहा होगा। रूस के बाद ये देखो है मंगोलिया, मंगोलिया के बाद देख
देख लो चाइना, चाइना के बाद यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या अलग करता है, जल्दी बताओ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या अलग करता है, फटाक से आंसर दो। 38, वेरी गुड। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस जगह पर स्थित है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा सर ये कोरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, कोरियन पेनिनसुला पर ये स्थित है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये देखो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री दिखेगी, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पर देखो एक दूसरा द्वीपीय देश दिखेगा, ताइवान, ताइवान। ताइवान के बाद ये देखो यहाँ एक कंट्री दिखेगी, फिलीपींस। फिलीपींस के बाद ये बड़ा सा देश दिखेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के इस हिस्से पर तिमोर लीस्ट या ईस्ट तिमोर कहा जाता है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक देश मिलेगा ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद यहाँ देखो मिलेगा सिंगापुर। सिंगापुर के बाद मलेशिया। मलेशिया के बाद थाईलैंड से कंबोडिया। ये देखो वियतनाम, देखते चलो मैप को अच्छे से, तभी याद होगा मैप, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम के बाद ये देखो लाओस। फिर ये म्यांमार, यहाँ पर देखो श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे यहाँ मालदीव्स। ये भारत, भारत को तो याद रखना नहीं है दोस्तों, हमारा प्यारा देश है भारत। फिर बांग्लादेश, यहाँ पर देखो भूटान, यहाँ नेपाल, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। चलो आज थोड़ा सा 2 मिनट, हम 2 मिनट आपका टेस्ट लेना चाहेंगे, और जो लोग रेज हैंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जल्दी से रेज हैंड में पार्टिसिपेट भी कर देना। चलो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, वो कौन से दो देश हैं, मध्य, सॉरी माफ कीजिए, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। चलो भैया हिमांशु जी ने कहा है, हिमांशु जी को इनवाइट करते हैं, जल्दी बताइए हिमांशु जी क्या है कैपिटल कजाकिस्तान की। हेलो, हाँ हिमांशु जी, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? सर नूर सुल्तान, और इससे पहले अस्ताना थी। सर अस्ताना थी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है, और उससे पहले अस्ताना इसकी कैपिटल थी। अब जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो, फिर आखिरी में रीजेंट भी करेंगे। जल्दी मेरा सवाल का जवाब दो, थाईलैंड की राजधानी क्या थी, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, आंसर लिखो जल्दी से, बैंकॉक। अगला, ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या थी, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मनीला किस देश की राजधानी है, मनीला इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, फिलीपींस, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। असगाबाद, असगाबाद किस देश की राजधानी है, असगाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। अगला और आखिरी क्वेश्चन, ताइपे, ताइपे किस देश की राजधानी है, ताइपे इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, ठीक है। अभी आखिरी में एक बार मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा, तो पूरी राजधानियां आपको याद हो जाएंगी। खासतौर पर यह याद रखना, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो तजाकिस्तान की राजधानी बताओ जल्दी से दोस्तों मुझे, तजाकिस्तान की राजधानी बताओ, भूला नहीं है, दुशानबे, ठीक है, दुशानबे। तजाकिस्तान के बाद हम कहां गए थे, किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की राजधानी, बड़ी प्यारी राजधानी है किर्गिस्तान की, जल्दी बताओ, बिश्केक। आदि ने बताया था सर, बिश्केक के नाम से भी याद रख लो। किर्गिस्तान के बाद हम कहां गए थे, इसके बाद हम पहुंचे थे कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, बहुत बढ़िया। कजाकिस्तान से कहां पहुंचे थे, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और उज्बेकिस्तान से हम कहां पहुंचे थे, तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अशगाबाद। चलो वेरी गुड, अगर ये चीजें याद हो गई हैं तो आप मान के चलो बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप याद कर चुके हो। एक बात और आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने वो पीडीएफ पढ़ा था मैंने, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कंट्री के फैक्ट दिए थे, उसमें फैक्ट लिखे हुए हैं बाजू में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हम 15-20 मिनट की एक क्लास रख लेंगे जिसमें जल्दी जल्दी उन फैक्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, या हम उसका एमसीक्यू बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज एशिया के मानचित्र को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। पहले एक बार यहाँ पर देख लो इस मैप में, ध्यान दो दोस्तों, ठीक है, ये कौन सा देश है, ईरान, एक बार देख लो यहाँ पर, ये कौन सा देश है, ईरान। ईरान से हम कहां चलेंगे दोस्तों, तो ईरान से हम पहुंचेंगे यहां पर एक देश है अजरबैजान, यहां एक देश है अजरबैजान। देख, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ठीक है, यहां पर एक देश है, ये इसको हाईलाइट करता हूं, ये कंट्री है अजरबैजान। अजरबैजान के जस्ट बाजू में दोस्तों, अजरबैजान के जस्ट बाजू में यहां पर है आर्मेनिया, सॉरी यहां जॉर्जिया, जाओ पहले जॉर्जिया, जॉर्जिया अगर एटलस है तो उसमें देख लो दोस्तों, ठीक है, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आप देखोगे आर्मेनिया दिखेगा आपको, कौन सा देश दिखेगा, आर्मेनिया, बहुत अच्छी बात कही है प्रशु ने। इन तीनों देशों को, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को काकेकस कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां पर काकेकस पर्वत है, हम पढ़ रहे होंगे यहां पर काकेकस माउंटेन है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से नीचे आ जाओ, जैसे ही आप यहां से नीचे आओगे तो यहां आपको एक देश दिख रहा होगा, तुर्की दिख रहा है क्या दोस्तों आपको, तुर्की, ठीक है, तुर्की। तुर्की के बाद आप देखो आपको एक देश दिखेगा इराक, तुर्की से कहां आना है, इराक दिख रहा है, इराक एटलस में देखते जाना। इराक के बाद यहां देखो एक देश मिलेगा सीरिया, दिख रहा है सीरिया, सीरिया। अब यहां थोड़ा सा जूम करके देखो, हल्का सा और मैं जूम कर रहा हूं, तो यहां आपको एक देश मिलेगा लेबनान, कौन सा देश मिल रहा होगा, लेबनान, बिल्कुल छोटा सा देश लेबनान। लेबनान के जस्ट नीचे आपको मिलेगा इजराइल, कौन सा देश मिलेगा, इजराइल दोस्तों, इजराइल। इजराइल के बाद यहां आप देखो एक देश मिलेगा जॉर्डन, नहीं अभी हम पढ़ेंगे पायल जी, अभी तो बस हम दिखा रहे हैं, इसको अपन नोट करेंगे, ठीक है, अभी बस देख लो एक बार एटलस में, ठीक है, अभी बस एटलस में देखना है, अभी तो हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है, बस मैं आपका लोकेशन दिखा रहा हूं आपको, ये कौन सी कंट्री है, जॉर्डन। और इजराइल के मैप को हम डिटेल में भी देखेंगे, इजराइल के मैप में एक हिस्सा है जिसको हम फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं, तो वो भी हम डिटेल
में देखेंगे। अब जॉर्डन के बाद दोस्तों आप देखो तो जॉर्डन के बाद एक बहुत बड़ा देश दिख रहा होगा, इस बड़े से देश का नाम है सऊदी अरब। दिख रहा है क्या आपको, ये बड़ी सी कंट्री है सऊदी अरब। सऊदी अरब से बिल्कुल नीचे की ओर आ जाओ तो यहाँ एक देश मिलेगा यमन। दिख रहा है कि आपको यमन नाम का एक देश होगा, ठीक है, एटलस में भी देख सकते हो अपनी। यमन से आगे चलोगे तो यहाँ एक देश है ओमान, ये भी दिख रहा होगा आपको ओमान। ओमान, ओमान से आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक कंट्री मिलेगी, साइप्रस हम यूरोप में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओमान के बाद एक देश मिलेगा यूएई, कौन सा देश मिलेगा यूएई, कोई बात नहीं करो जी, अपनी परेशानी होना है, जो मैंने दिया है ना उसको प्रिंट करा लो, यूएई, ठीक है। यूएई के बाद यहाँ एक देश है बिल्कुल छोटा सा देश कतर, कौन सा देश है दोस्तों कतर, यहाँ देखो जहां मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या कतर, ठीक है। कतर के बाद यहाँ एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री बहरीन, दिख रहा है दोस्तों आपको बहरीन, अगर दिख रहा है बहरीन। और यहाँ फिर आपको एक देश मिलेगा कुवैत, यहाँ देखो बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं कुवैत, देख पा रहे हो आप लोग, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते, दिस इज द हाईएस्ट जूम, ठीक है। अब एक बार मैं इन कंट्रीज को थोड़ा आपको डिटेल में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें इन कंट्री को नोट करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में देखो, ये कौन सा देश था ओमान, पता होगा आप लोगों को, ओमान से हम देखो ऐसा है यूएई, कुछ ऐसा दिखता है। अब इस मैप को जरा ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना रहा हूं यहां पर, ये देखो दोस्तों, ये जो हिस्सा देख रहे हो ना जिस पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये हिस्सा ओमान का है दोस्तों। ये अभी जब मैं आपको ओमान के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां हम पढ़ रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है, ओमान का हिस्सा है यहां पर। और ये कौन सी जल संधि है, ये कौन सी स्ट्रेट है, तो इसे हम कहते हैं होर्मुज जल संधि, ठीक है। ये होर्मुज जल संधि है, हल्का हल्का ना ये डिटेलिंग होती है मैप में कि होर्मुज जल संधि के पास कौन सा देश दिख रहा है, तो होर्मुज जल संधि के पास यहाँ ये ओमान का हिस्सा है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ से, ये ध्यान देना जहां पर मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा किसका है, तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये यूएई है दोस्तों, यूएई। और यूएई बहुत चर्चा में रहता है, कारण आपको पता है, यहाँ पर एक शहर है और इस शहर का नाम है दुबई, देख रहे हो आप लोग, देख लो दोस्तों यहाँ पर एक शहर है दुबई और दूसरा एक इसकी राजधानी अबू धाबी, दोनों को ध्यान से देख लो अबू धाबी। अब मुझे बताओ अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि दुबई और अबू धाबी किस जल राशि के निकट हैं, दुबई एंड अबू धाबी इज लोकेटेड नियर विच वाटर बॉडी, तो आंसर क्या दोगे, पर्शियन गल्फ के पास है, ये फारस की खाड़ी में स्थित है। कौन सा इलाका है, ये पर्शियन गल्फ का इलाका है, ये फारस की खाड़ी का इलाका, ओमान की खाड़ी तो यहाँ है ना दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान तो इस साइड है, कौन सी खाड़ी है, ये फारस, ठीक है, पर्शियन गल्फ। अब देखो यहाँ एक देश, ध्यान से देख लो इन देशों को डिटेल में, क्योंकि अभी हमें भरना है मैप में, ये कौन सा देश है, तो ये देखो ये कतर है दोस्तों, ये कौन सा देश है, कतर, कतर, ठीक है। कतर और कुवैत में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग कंट्री है, तो ये कौन सा देश है, कतर है दोस्तों। और कतर की राजधानी आपको पता होगा दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। अब यहाँ देखो ये एक छोटी सी कंट्री, इस कंट्री का नाम कभी नहीं भूलना है आपको, ये देखो, देख पा रहे हो क्या, ये वाली कंट्री, ये इस देश का नाम है बहरीन, क्या नाम है, बहरीन। और पता है इसके बारे में खास बात क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस मैप को देखो तो आपको देखने मिलेगा कि पूरे के पूरे इस भाग में बहरीन इकलौता ऐसा देश है जो कि द्वीप पर स्थित है, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। तो ये पूछा जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है, मैं आपके सामने प्रश्न दोहरा रहा हूं कि फारस की खाड़ी में, लोग कह रहे हैं जूम कर दीजिए, बिल्कुल जूम कर देते हैं दोस्त, फारस की खाड़ी में कौन सा देश द्वीपीय देश है, विच इज द आइलैंड कंट्री इन द पर्शियन गल्फ, तो हक से जवाब दे देना भैया कि उसका नाम है बहरीन, क्या नाम है, बहरीन नाम है दोस्तों। ध्यान से देख लो इन देशों को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये कौन सा देश है, तो पता ही है, सऊदी अरब है। और यहाँ कौन सा देश है, तो याद रखना ये ईरान है, बहुत बड़ा सा, ये क्या है, ईरान है। रोज तो हो रही है एनवायरमेंट की क्लासेस, मानसू जी कंटिन्यू कर दी हमने, ठीक है, ये ईरान है और ये सऊदी अरब। ये वाला मैप देख लिया अच्छे से, ऑल गुड, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ो, एक मैप और देखो, ये भी थोड़ा डिटेल से देखो, यहाँ भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, ये वाला मैप भी जरा ध्यान से देखो। देखो ये कौन सा इलाका है, तो ये जो इलाका है दोस्तों ये अजरबैजान का इलाका है। ये किसका इलाका है, यहाँ जो इलाका आप देख पा रहे हैं ये अजरबैजान है दोस्तों, अजरबैजान। यहीं पर एक बिल्कुल छोटा सा देश है आर्मेनिया, और ये जो देश आप देख पा रहे हैं ये है जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। आर्मेनिया से हम कहां आए थे, तो आर्मेनिया से हम तुर्की आ गए थे दोस्तों, तुर्की। तुर्की के बाद आप देखो यहां आपको देश मिलेगा सीरिया, देख पा रहे हो सीरिया। अब इसको जरा हम जूम करते हैं, अब यहां देखो बिल्कुल एक छोटा सा देश है ये, इतना छोटा सा देश, ये कौन सा देश है, लेबनान, ये कौन सा देश है, लेबनान, ध्यान देना कौन सा देश है, लेबनान। और लेबनान के बाद ये जो देश शुरू हो रहा है यहां इस तरीके से, इस देश का नाम है इसराइल, कौन सा देश है, इसराइल। और इसराइल में देखो, ध्यान देना मैं और जूम कर रहा हूं, इसराइल में देखो ये इलाका जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसी इलाके को हम फिलिस्तीन कहते हैं या पैलेस्टाइन के रूप से जानते हैं। हाँ, अजरबैजान की बाउंड्री कैस्पियन सी से टच करती है, और ये मैंने बताया है पीपीजी कि कैस्पियन सी एक झील है ना कि एक सागर है। अब यहां एक देश देखो, ध्यान देना दोस्तों देशों, ये एक कंट्री देखो, ये कौन सा देश है, ये जॉर्डन है,
ये कौन सा देश है? जॉर्डन है। ध्यान से देख लो चीजों को, क्योंकि बार बार हम पढ़ने वाले हैं चीजों के बारे में, तो क्लियर होना चाहिए कि सर सीरिया के बिल्कुल पास एक छोटा सा देश है लेबनान, लेबनान के जस्ट नीचे आपको इजराइल मिलेगा। अब अगर यहां से दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न बनाऊं, ध्यान दो मेरी बातों को अच्छे से सुनो, अगर मैं आपसे एक प्रश्न बनाऊं कि भैया कौन कौन से एशियाई देश भूमध्य सागर से जुड़ते हैं, विच कंट्रीज आर कनेक्टेड विद दी मेडिटेरियन सी, तो आंसर क्या होगा? नंबर वन हो जाएगा तुर्की, नंबर टू हो जाएगा सीरिया, नंबर थ्री हो जाएगा लेबनान और नंबर फोर हो जाएगा इजराइल। कितने देश हो गए? इजराइल हो गए। देखो जॉर्डन की जो बाउंड्री है वो आप देखिए दोस्तों, जॉर्डन की बाउंड्री मेडिटेरियन सी को नहीं छू रही है, जॉर्डन की बाउंड्री रेड सी को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? रेड सी को टच कर रही है। और हम पढ़ रहे होंगे कि जॉर्डन के पास सबसे छोटी समुद्री सीमा है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन आती है जॉर्डन के पास, गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये चार देश यहाँ पर देखने मिलेंगे, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ठीक है। बाकी मैप तो फिर क्लियर ही है आपके पास। ये सऊदी अरब है, यहाँ वो यमन है, ओमान है, यूएई है, ये कतर है, ये बहरीन है और यहाँ पर ये कुवैत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मैप और देख लो ध्यान से। ये इजराइल का मैप है, ये देखो दोस्तों, ये वाला मैप देख पा रहे हो, इसे हमने डिटेल किया है, ये इजराइल का मैप है। अब आपको और स्पष्ट दिखेगा कि ये लेबनान है, ये कौन सा देश है? ये लेबनान है दोस्तों। और लेबनान के बाद यहां देखो तो ये पूरा इजराइल है, यहां इस तरीके से, ठीक है। और इजराइल का ये जो इलाका है इसे हम वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, और ये जॉर्डन है। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जॉर्डन की सीमा जो है वो लाल सागर को छूती है, वो रेड सी को टच करती है, जबकि इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की की सीमा किसको छू रही है? मेडिटेरियन सी को छू रही है। और यहाँ पर एक साइप्रस नाम का देश भी है जो कहां पर है? भूमध्य सागर में है, मेडिटेरियन सी में। ये देखो इजराइल का ये इलाका जो अक्सर चर्चा में रहता है, तो ये भी जरा ध्यान से आप देख लो, ये मैप आपको दिख रहा है, बड़ा डिटेल मैप है इजराइल का। तो इजराइल का ये जो इलाका है ये, इसे गाजा पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गाजा पट्टी कहा जाता है, गाजा स्ट्रिप। आपने बहुत चर्चा में सुना होगा गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप का नाम, ये वही इलाका है। और ये भी भूमध्य सागर के पास स्थित है, मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ इलाका है, और साथ ही साथ में इजिप्ट से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ में ये मिस्र से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, इसी इलाके को हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं या वेस्ट बैंक के नाम से हम इसे जानते हैं। और आपको पता ही होगा कि लगातार यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इसराइल में। ये एक नए देश की मांग कर रहे हैं फिलिस्तीन के रूप में, भारत फिलिस्तीन को मान्यता देता है, इंडिया फिलिस्तीन को मान्यता देता है, तो गाजा भी फिलिस्तीन का ही पार्ट है। यहाँ लगातार लड़ाइयां चलती रहती हैं दोस्तों। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है कि किस तरीके का मैप है, कौन सी चीज किस चीज को टच कर रही है। ये जेरूसलम है, ये क्या है? ये जेरूसलम है, देख लो यहाँ पर। और ये देखो डेड सी, ये कौन सा सागर है? ये डेड सी है दोस्तों, डेड सी। तो डेड सी किसके बीच में है? तो ये जॉर्डन है और ये इजराइल है। ये पूरे के पूरे पूछे हुए प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न पूछे हुए। अगर आप जाकर के उठा करके देखोगे ना दोस्तों, गोलन हाइट्स ऊपर है, ये सीरिया वाले हिस्से में आती है गोलन हाइट्स, ठीक है, जैसे जिस पर इसराइल ने अब कब्जा कर लिया है जब इसराइल वॉर हुआ था, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है, ठीक, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डेड सी किसके बीच में है, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर है। और मृत सागर के बाद में स्पेशल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ जब हम झील के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, क्लियर है। जेरूसलम, जेरूसलम कहा जाता है कि वैसे तो एक प्रकार से देखा जाए तो इजराइल अपना कैपिटल क्लेम करता है और अमेरिका ने मान्यता भी दी है जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में, तो वो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मलेशिया वाला रीजन है दोस्तों, ये भी मैंने सोचा आपको डिटेल में हम दिखा दें। ये आपको मलेशिया दिख रहा होगा, मलेशिया, और यहां आपको सिंगापुर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको? और ये भी मलेशिया है और यहाँ बिल्कुल छोटे से हिस्से में ब्रुनेई स्थित है। एक बार सारी चीजें आप डिटेल में देख लो ताकि आपके दिमाग में मैप बड़ा फिट हो जाए, ठीक है। ये मलेशिया वाला इलाका है, यहाँ पर ये भी मलेशिया है दोस्तों, ये भी मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये ब्रुनेई है और ये यहाँ पर सिंगापुर है, ठीक है, ये क्या है? सिंगापुर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, ये देखो इस तरीके से, पता है कैसे अलग होता है? तो ये कौन सा इलाका है? अभी हमने आपको बताया कि ये मलेशिया है, पता है हमने क्या किया है? अब हम इस मैप को जूम करेंगे, ध्यान देना मेरी बातों पर। अब हम किसे जूम कर रहे हैं? तो हम इस वाले भाग को अब जूम करने वाले हैं, इस वाले भाग को। तो जैसे ही आप इसे जूम करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि भैया ये जौहर संधि है, एक जौहर जल संधि है, जौहर स्ट्रेट है, जो कि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। देख रहे हैं आप लोग, ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों कि सिंगापुर और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, विच स्टेट डिवाइड द मलेशिया एंड सिंगापुर। तो याद रखेंगे जौहर जल संधि, करण जौहर वाला जौहर याद रख लो, जौहर जल संधि अलग करती है मलेशिया और सिंगापुर को। और ये जौहर नदी के नाम पर है, यहाँ पर एक नदी है और ये कौन सी नदी है? जौहर नदी, जो कि मलेशिया में बहती है दोस्तों। तो याद रखना जौहर नदी, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डीप क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं पूछना चाहिए आपको, सोचेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं, कि मलेशिया और सिंगापुर को क्या अलग करना है, तो ये याद रखना है बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे चीजों को, ओके, इस तरीके से। अब ये देख लो इंडोनेशिया का मैप, ये भी जरा आप ध्यान से देखो इंडोनेशिया के मैप में। बस आपको यही याद रखना है कि इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम क्या है, व्हाट आर द मेजर आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया,
याद रखना है कि इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम, नेम ऑफ द मेजर आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो ये बड़ा सा आइलैंड कौन सा है? सुमात्रा। कौन सा नाम है दोस्तों? सुमात्रा। सुमात्रा के बाद यहां आपको एक आइलैंड मिलेगा जावा, और जावा के बाद यहां एक आइलैंड मिलेगा बाली। बड़ा ही फेमस आइलैंड है बाली, ठीक है। बाली के बाद यहाँ ये तिमोर। तो हमने देखा था कि पहले ये पूरा का पूरा आइलैंड था, फिर यहाँ पर लड़ाई हो गई तो तिमोर दो भागों में टूट गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक नया देश बन गया जिसे हम ईस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तिमोर, तिमोर के बाद एक बोर्नियो, और बोर्नियो के बारे में हमने आपको बताया था। अच्छा, बोर्नियो को इंडोनेशिया में कालीमंतन कहा जाता है, कालीमंतन, ठीक है, याद रखना, बोर्नियो को कालीमंतन कहा जाता है, ठीक है। बोर्नियो के बाद आप देखो सुलावेसी, और सुलावेसी का पुराना नाम है सेलिबीज। क्या नाम है? सेलिबीज द्वीप, सेलिबीज आइलैंड, देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, सेलिबीज। सेलिबीज के बाद एक है बंदा आइलैंड, बांडा आइलैंड, और यहीं पर मकुलु आइलैंड भी है, पर वो इंपॉर्टेंट, और यह है न्यू गिनी। ये कौन सा आइलैंड है? न्यू गिनी। कौन सा आइलैंड है? न्यू गिनी। तो पता है कई बार आप देखोगे इंडोनेशिया चर्चा में जब भी आएगा तो पता है प्रश्न कैसा पूछ लेगा दोस्तों आपसे, वो आपसे पूछ लेगा, अरे पपुआ न्यू गिनी अलग है, दैट इज अ कंट्री, मैं सिर्फ न्यू गिनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है, व्हाट आइलैंड्स आर दी पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तब आप बता पा रहे होंगे कि भैया सुमात्रा है, जावा है, बाली है, और भी छोटे छोटे, पर वो याद नहीं रखना, तिमोर है, बोर्नियो है, सुलावेसी जिसको सेलिबीज कहा जाता है, बांदा आइलैंड है, और न्यू गिनी आइलैंड है, ठीक है। तो ये प्रमुख द्वीप है दोस्तों इंडोनेशिया के, ये अलग है, पपुआ न्यू गिनी अलग है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसके बारे में आप परेशान ना हो, ठीक, क्लियर। यहाँ पर इसी तरीके से ये देख लो, ये उसका मैप है, क्या बोलते हैं, थिंक तुर्की का, तुर्की वाला मैप है, तुर्की, देखो ये इस्तांबुल वाला इलाका है, यहाँ से जुड़ता है ये किससे, ये जुड़ा जुड़ा हुआ है आपका यूरोप से, तुर्की, ये पूरा तुर्की का मैप है, ठीक है। ये देखो और अच्छे से आपको दिखेगा, ये पूरा तुर्की का मैप है दोस्तों, तो ये देख पा रहे हो, और यहाँ देखो, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान दो, तुर्की का बहुत बड़ा हिस्सा किसमें आता है? एशिया में। अभी मेरी बात सुनो, डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस ध्यान दीजिए, ठीक है। तुर्की का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर आता है? एशिया में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा कहां पर है तो आप देख पा रहे होंगे यूरोप में। तो एक प्रश्न वो आपसे पूछता है और पूछा भी गया है दोस्तों कि तुर्की के एशियाई और यूरोप के भाग को कौन अलग करता है, ठीक है। तुर्की के एशिया और यूरोप के भाग को कौन अलग करता है? तो यहां पर है दोस्तों बोस्फोरस, बोस्फोरस जल संधि, ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट करके एक जगह है, बोस्फोरस करके एक जगह है, ये अलग करती है। और बोस्फोरस जल संधि को अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ काला सागर स्थित है, ब्लैक सी है, और दूसरी तरफ मरमरा सागर या सी ऑफ मरमरा स्थित है। तो ये हम यूरोप में पढ़ते हैं, ये हम एशिया में नहीं पढ़ेंगे, ये हम यूरोप वाले इलाके में पढ़ेंगे, पर बस आपको पता होना चाहिए कि बोस्फोरस कहां पर है। तो बोस्फोरस इनको अलग करना होता है, यहां पे एक जगह उन्हें डैंगल करके, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए इन मैप्स को देखने के बाद। अभी मैं आपको फिलीपींस का मैप भी डिटेल में दिखाऊंगा, और फिलीपींस के मैप में भी बहुत सारे आइलैंड है दोस्तों, बहुत सारे द्वीप है। अब आपका बोला डाउट अलग करते हैं, ये देखो यहाँ पर डाउट हो रहा है ना आपको कि सर पपुआ न्यू गिनी और ये क्या है, ये इलाका इस तरीके से बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया के पास है। और एक बार अपने एटलस में आप जूम करके देखो, एक बार मैं भी अपने यहाँ एटलस निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर एटलस में आप देख पा रहे हो तो इसी का फिर एक हिस्सा है पपुआ न्यू गिनी, ये अलग अलग है दोस्तों, देख पा रहे हो, इसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम गलत हो रहा है आपके, जो मैंने मैप दिया हुआ है उस मैप में आप देखना तो ये न्यू गिनी पूरे के पूरे द्वीप का नाम है और ये है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। नहीं नहीं कट नहीं किया है आपके एटलस में, आप एशिया का मैप देख रहे हो आदि जी, ये वर्ल्ड के मैप में दिखेगा, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसी ही बात है कि तिमोर एक द्वीप था, तिमोर एक आइलैंड था, तो तिमोर के आधे हिस्से में एक नया देश बन गया ईस्ट तिमोर, और एक नीचे वाला हिस्सा रहा तिमोर, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। तो अब ये कुछ चीजें दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब हम इन देशों को लोकेट करने वाले हैं, तो प्लीज याद रखना कहां कौन सा देश था ताकि हम आगे बढ़ सके, क्लियर। शुरू करें लोकेट करना, शैल वी स्टार्ट, ठीक है, शुरू करते हैं। तो लो भैया कल कहां तक पहुंच गए थे, कौन सा नंबर था कल, जल्दी बताओ कौन सा नंबर था कल, नंबर बता दो भैया हमको, थैंक यू 32 ईरान, ठीक, चलो भैया। तो ये कौन सा देश है? ईरान। यहां से अपन चलते हैं दोस्तों इस वाले इलाके में, ये ठीक है, यहां पे बॉर्डर बना लेना अगर नहीं बनी है तो, ईरान। इस छोटे से देश को आप नाम दे दो, ये जो देश है यहां, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे देश है, ध्यान से लोकेट करना है आपको। आप जगी जी वर्ल्ड मैप देखो दोस्तों, ठीक है, इसका नाम है अजरबैजान, अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी आपको याद रखना है बाकू, क्या राजधानी है? बाकू, बाकू इज द कैपिटल। और अजरबैजान के जस्ट बाजू में यहां आपको एक देश मिलेगा, इसको 34 नाम दे दो, बिल्कुल छोटा सा होगा दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, नहीं कंफ्यूज मत हो पीपी जी, यहां पे आप देखो अजरबैजान के जस्ट बाजू में 34, ये है अर्मेनिया, ठीक है, कौन सा देश है दोस्तों? ये है अर्मेनिया,
और अर्मेनिया की राजधानी है येरे वान, क्या राजधानी है, येरे वान। अब यहां देखो ध्यान दो, ठीक है, तो यहां हमने दो देश बना लिए, एक बना लिया अजरबैजान और एक बना लिया अर्मेनिया। नहीं, कैस्पियन जो है वो एक, देखो हमने आपसे ये कहा था लैंड लॉक कंट्री की डेफिनेशन यही होती है, एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं महासागर को नहीं छूती उसे हम लैंड लॉक कहते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या कैस्पियन सागर महासागर से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जब कैस्पियन सागर महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है तो हम, यही कारण है कि जो देश कैस्पियन सागर की सीमाओं को छूते हैं उन्हें हम स्थलबद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। पुरानी क्लास शायद आप मिस कर दिए हैं इसीलिए, ठीक है। डेड सी भी एक झील है मेरे दोस्त, ठीक, यहाँ पर। अच्छा ये है तो यार मैं परेशान हो रहा था, देखो ये व्हाइट कलर से तो बनाया मैंने यहाँ पर, दोस्तों दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर से है ये अर्मेनिया, ठीक है अर्मेनिया। अब ये देखो यहाँ पर एक देश, ये एक देश है, ये होगा आपका नंबर 30, कौन सा होगा 34, नंबर दो मुझे एक बार, 5, ठीक है, कुछ 4 कह रहे कुछ 5 कर रहे, 35, थैंक यू 35, ठीक है। तो इस देश का नाम है जॉर्जिया, क्या नाम है दोस्तों, इस देश का नाम है जॉर्जिया, जॉर्जिया। और जॉर्जिया की कैपिटल है लिबलिसी, लिबलिसी, ठीक है, टी से शुरू होता है उसकी स्पेलिंग, TLI से लिबलिसी, ठीक है लिबलिसी। तो याद रहे तो ठीक है, याद ना रहे तो ठीक है। अब देखो यहीं पर बहुत ध्यान दो दोस्तों इस मैप पर, मेरे को ध्यान दो, मुझे सुनो अच्छे से, 34 है, चलो 34 कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं नंबर, क्या कोई दिक्कत नहीं है, नंबर अपने हिसाब से ला लेना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों देशों को, कौन कौन से देश, जॉर्जिया, जॉर्जिया के नीचे क्या है दोस्तों अर्मेनिया, और अर्मेनिया के बाद में क्या है अजरबैजान, तो इन तीनों देशों को हम क्या कहते हैं, तो इन तीनों देशों को काकेकस, ओके 35 है, थैंक यू सो मच, काकेकस देश कहते हैं, काकेकस कंट्री कहते हैं, काकेकस कंट्री क्यों कहते हैं, ये आपको 2 दिन के बाद समझ में आएगा। यहां पर एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है काकेकस, ठीक है, इस कारण इन्हें काकेकस देश कहा जाता है। अब प्रश्न को थोड़ा मुश्किल बनाए, अब एक मुश्किल प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से, काकेकस देशों के कौन कौन से देश स्थलबद्ध हैं, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ काकेकस आर लैंड लॉक कंट्री। तो खटपट जवाब आना चाहिए कि सर 2 देश हैं जो लैंड लॉक है, कौन कौन से, आंखें गड़ा करके देख लो, आंखें गड़ा करके देख लो, पहली नजर का प्यार कर लो, यहां देखो एक देश है, इस देश का नाम है अजरबैजान, क्या नाम है अजरबैजान। देखो ध्यान से, क्या अजरबैजान की सीमा किसी महासागर को छू रही है, क्या किसी भी ओशियन को छू रही है? नहीं सर, अजरबैजान की सीमा किसी भी ओशियन को नहीं छू रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वेरी गुड, एक हो गया अजरबैजान। दूसरा यहां पर ध्यान दो, मैं फिर से लोकेट कर रहा हूं ये कंट्री, अगर आप देख पा रहे हैं अपने मैप में ये छोटा सा देश, इस देश का नाम है अर्मेनिया। देखो क्या अर्मेनिया की सीमा किसी महासागर से जुड़ रही है, क्या अर्मेनिया की बाउंड्री किसी से जुड़ रही है? तो आंसर होगा नहीं। चलो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ध्यान देना, अगला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, काकेकश देशों में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करता है, विच कंट्री इन दी काकेकस रीजन शेयर दी बाउंड्री विद द कैस्पियन सी। तो क्लियर आपको दिख रहा है सिर्फ यहां पर एक देश है अजरबैजान जो अपनी सीमा कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है, ना ही जॉर्जिया और ना ही अर्मेनिया अपनी सीमा कैस्पियन सी से शेयर करते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी प्रश्न, जॉर्जिया अपनी सीमा किससे साझा करता है? तो ये जो इलाका है ना इसे काला सागर कहा जाता है दोस्तों, काला सागर, ऐसा कि पानी काला हो गया, नाम है उसका काला सागर, ब्लैक सी, क्या नाम है, ब्लैक सी। तो याद रखना दोस्तों कि ब्लैक सी इसका नाम है, काला सागर, ठीक है। तो ये नहीं, नहीं, ये ओशियन है, ये लैंड लॉक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये देखो काला सागर यहां बास्फोरस संधि के द्वारा मरमरा सागर से जुड़ेगा और मरमरा सागर अल्टीमेटली मेडिटेरियन सी से जुड़ेगा, मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ेगा और मेडिटेरियन सी स्वेज नहर के द्वारा हिंद महासागर से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान देना कि ब्लैक सी जो है दोस्तों वो क्या नहीं है, वो एक झील नहीं है, वो एक सागर का ही हिस्सा है, ठीक। तो ये तीनों देश बना लिए, इन तीनों देशों के प्रश्न समझ लिए, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर है स्विस में, इस इलाके में, ठीक, चलो ध्यान दो यहाँ पर। अब ये 35 तक हो गया था, ये एक देश है इसको नंबर 36 नाम दे दो, 36, ठीक है। ये कौन सा देश है? तो इसे कहा जाता है तुर्की, क्या कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है उसको, तुर्की। और याद रखना रूस की तरह यह भी एशिया का एक ऐसा देश है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, एक शब्द आएगा बार बार, कौन सा देश है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल,
हिंदी में क्या बोलते हैं आपको बता दूंगा, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, ये जो शब्द है ट्रांसकॉन्टिनेंटल, एक ऐसा देश जो दो या दो से अधिक महाद्वीपों में स्थित होता है उसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कहा जाता है। तो रूस भी दो महाद्वीपों में है, रूस का कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में है। इसी तरह तुर्की का बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में है पर छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी आता है, इसीलिए हम इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। हिंदी में एक बार देख के बता दूंगा, अंत महाद्वीपीय ऐसा कुछ नाम होगा, मैं देख करके आपको बता दूंगा। और दोस्तों तुर्की की राजधानी कौन सी है, तो तुर्की की राजधानी बताओ जल्दी से क्या है, अंकारा। तुर्की की कैपिटल का नाम क्या है, अंकारा। अंकारा ये तुर्की की राजधानी का नाम है, ठीक है। 36, अब यहां पे आ जाओ, तुर्की के बाद जस्ट नीचे यहां देख पा रहे हो, लोकेट कर पा रहे हो अपने मैप में, ये 37 है दोस्तों, यहां रूस के वहां पर है 37, ठीक है। तुर्की एक मॉडर्न मुस्लिम कंट्री है दोस्तों, मॉडर्न मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। 37 नंबर 37 पर ये जो देश आप देख पा रहे हो यहां, इस देश को कहा जाता है सीरिया। क्या कहा जाता है, सीरिया। और सीरिया बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए ध्यान से आपको याद रखना है सीरिया, और ये इसकी राजधानी है दमिश्क। क्या है राजधानी, दमिश्क। पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमिश्क याद रखना। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, बिल्कुल सही है, दमिश्क इसकी राजधानी है। अब यहां से याद रखो, थोड़े से प्रश्न बनते हैं क्योंकि सीरिया चर्चा में रहता है, तो हम जूम करेंगे सीरिया के मैप को, और आप मुझे बताओ सीरिया की सीमा किससे जुड़ रही है, तो यहां मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो सीरिया की सीमा भूमध्य सागर से जुड़ती है, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होती है। भूमध्य सागर के अलावा आप देखें तो और कोई दूसरी वाटर बॉडी नहीं है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो 35 के बाद 36 भी हो गया और यहाँ ये 37 भी हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, आपको एक कंट्री मिलेगी नंबर 38, दिख रहा है आपको 38 नंबर, ये बहुत छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है दोस्तों। ये एक कंट्री आपको मिलेगी और इसे कहा जाता है लेबनान। क्या कहा जाता है, लेबनान कहा जाता है दोस्तों। और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। बेरूत लेबनान की कैपिटल का नाम क्या है, बेरूत इसकी राजधानी का नाम है। यहाँ देखिए, यहाँ इस इलाके में ये जुड़ा हुआ इलाका है, ये गलत आ रहा है मैं, ये जो इलाका है ये आपका नंबर 39 होगा, 39। और इस देश का नाम है इजराइल। क्या नाम है, इजराइल। और इजराइल की राजधानी आपको याद रखना है तेल अवीव। क्या राजधानी है, इजराइल की राजधानी आप याद रखेंगे तेल अवीव, ठीक है। और कई जगह पर आपको जेरूसलम भी देखने मिलेगा, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हाँ, ये येलो वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं तेल अवीव, इजराइल की राजधानी क्या है, तेल अवीव है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये देखो यहीं पर, यहीं पर अगला देश देख पा रहे हो, छोटा सा देश है यहाँ, छोटा सा, ये नंबर 40, नंबर 40। ये कौन सा देश है, ये जॉर्डन है। कौन सा देश है, जॉर्डन। जॉर्डन यहाँ पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है जॉर्डन नदी, ठीक है। और जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों, अम्मान। क्या है इसकी राजधानी, अम्मान इसकी कैपिटल है। जॉर्डन सबसे छोटी समुद्री या तट रेखा वाला देश है, बहुत ही कम इसकी कोस्ट लाइन है, तो कहा जाता है स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री इज दी जॉर्डन। नहीं, खास तौर पे प्रिय, हाँ, दोनों के लिए काम आएगा, पर प्रीलिम्स में ज्यादा काम आएगा, मैपिंग, ठीक है, याद रखना। हाँ, वर्ल्ड का एक बार वो कंफर्म कर लीजिएगा, इन एशिया की वर्ल्ड एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है, एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा दोस्तों कि वर्ल्ड में है, जहां तक मुझे याद है वर्ल्ड में है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखो, अपने इतना कर लिया, अब इसके बाद ये देखो 41 दिख रहा है क्या आपको, बहुत बड़ा देश दिख रहा होगा आपको, ये बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी। क्या आप देख पा रहे हैं इस देश को, इस बहुत बड़े देश को कहा जाता है सऊदी अरब। क्या कहा जाता है, सऊदी अरब। सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए, नहीं है तो अब पता कर लो, रियाद। क्या राजधानी है दोस्तों, रियाद, ठीक है, 41 नंबर पे रियाद। क्लियर, ऑल गुड, आगे बढ़े। ओके, यहां से आप थोड़ा नीचे की ओर आओगे, ये है नंबर 42, ये है नंबर 42, और इस देश का नाम है यमन। क्या नाम है दोस्तों, यमन। और यमन की राजधानी है मस्कट। कौन सी राजधानी है यमन की, मस्कट। ओमान। कौन सा देश है, ओमान। और ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। मस्कट की राजधानी यहाँ नंबर 44, और नंबर 44 पर है यूएई, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूए की राजधानी है अबू धाबी। क्या राजधानी है, अबू धाबी, इज द कैपिटल ऑफ यूएई। चलो आगे बढ़ने से पहले दो मिनट हम रिवीजन कर ले, ताकि आप चीजें भूले ना। नहीं, मैं इराक को छोड़ा नहीं हूं, वहां आएंगे, वो रिदम नहीं बन रहा था इसलिए अपन इराक को वहां छोड़ दिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहां से शुरू किए थे, ये 35 था, है ना, 35। तो 35 नंबर पे हमें क्या देखने मिला दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने मिला अजरबैजान। ध्यान देना, कौन सा देश देखने मिला, अजरबैजान। और अजरबैजान की कैपिटल क्या है, तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। बहुत बढ़िया, अजरबैजान के बाद यहाँ हमें देखने मिला नंबर 36।
नंबर 36 ये कौन सा देश है? तो बता, अच्छा देश ऊपर नीचे हो रहे हैं, नाम ऊपर नीचे, 32 हाँ ये 34 होगा, सॉरी 33 ये 34 होगा, 34 होगा, ठीक है। ये कौन सा देश था? तो अर्मेनिया, अर्मेनिया, ठीक है। और अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान, येरेवान। फिर यहां हमको एक देश देखने मिला 35 नंबर पे, ये है जॉर्जिया, जॉर्जिया, और इसकी राजधानी है लिब्लिसी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉर्जिया के बाद ये एक कंट्री हमको देखने मिली 36, ये कौन सा देश है? तुर्की, तुर्की। और तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा, अंकारा। तुर्की के बाद हम कहां पहुंचे? सीरिया। कहां पर पहुंचे दोस्तों? सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्कस, दमिश्क, ठीक है। सीरिया के बाद हम कहां पहुंचे? 38 लेबनान। कहां पर पहुंचे? लेबनान, ठीक है, ओके, लेबनान। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, बेरूत। लेबनान के बाद हम कहां पहुंचे? नंबर 39 इजराइल। कहां पहुंचे दोस्तों? इजराइल। और इजराइल की राजधानी क्या है? तेल अवीव, तेल अवीव। यहां एक और छोटा सा देश है जिसे हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। क्या राजधानी है दोस्तों? अम्मान। जॉर्डन के बाद यहां एक बहुत बड़ा देश हमने देखा, सऊदी अरब। और सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब के बाद हम यमन पहुंचे दोस्तों, यमन। और यमन की कैपिटल क्या है? साना। क्या कैपिटल है? साना। यमन के बाद दोस्तों हम आगे बढ़े और हमको ओमान मिला, ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। क्या कैपिटल है? मस्कट। और ओमान के बाद हम कहां पहुंचे दोस्तों? यूएई पहुंचे, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। बताओ याद हो रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं। देखो उसको दमिश्क हिंदी में बोलते हैं, कटरीना कैफ स्टाइल में दमिश्कस बोलते हैं, तो ज्यादा अपन को परेशान नहीं होना है। अपन दमिश्क भी बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, पर नाम ऐसा थोड़ा स्टाइल सा दमिश्कस बोलते हैं, ठीक है। अबू धाबी इज अ कैपिटल। बहुत से लोगों को यही लगता है कि उसकी कैपिटल नहीं, अभी हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, दुबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएई, द कैपिटल ऑफ यूएई इज अबू धाबी। दुबई वहां का एक बहुत मशहूर शहर है, ठीक है। कैपिटल क्या है? वहां की कैपिटल अबू धाबी है। चलो हो गया दोस्तों यहां तक क्लियर, अब आगे ध्यान दो। इसके बाद ये एक देश आपको देखने मिलेगा यहां, इफ यू कैन गाइस सी, अगर देख पा रहे हो यहां एक देश होगा ये, ठीक है। ये है नंबर 45 और इस देश का नाम है दोस्तों कतर। क्या नाम है? कतर। और कतर की राजधानी है दोहा। कौन सी राजधानी है? दोहा। अब यहां पर एक देश बना नहीं है तो खुद बना लेना, छोटा सा देश, इतना बिंदी बराबर, ठीक है, बिंदी बराबर बराबर एक देश बना लेना। और इस देश का नाम है दोस्तों, ये नंबर 46 होगा हमारा, और ये देश कौन सा है? बहरीन, बहरीन। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ पर्ल, पर हम बाद में पढ़ेंगे। और बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। क्या है इसकी राजधानी? मनामा। और याद रखना, ये पर्शियन गल्फ की एक आइलैंड कंट्री है, ये फारस की खाड़ी का एक द्वीपीय देश है। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। अब यहां थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहां दोस्तों आपको एक और देश मिलेगा, यहां जस्ट इस वाले इलाके में, यहां पर इसमें है नहीं, और ये है हमारा 47। इस देश का नाम क्या है? कुवैत। बना लेना अगर नहीं है, ये है कुवैत। और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। क्या राजधानी है दोस्तों? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी। और फिर यहां पर आप आ जाओगे 48, ये कौन सा देश है? तो ये है इराक। कौन सा देश है? इराक। और इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। क्या है इसकी राजधानी? बगदाद। तो हो गए आपके 48 देश एशिया के। तो ये है दोस्तों आपकी 48 मेजर कंट्रीज ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के 48 बड़े देश। क्लियर? ओके, तैयार है फिर आप लोग? अब तैयार हो तो चलो एक बार अब रिवीजन हो जाए सारी चीजों का, ठीक है। सारी चीजों का रिवीजन अपन करने वाले हैं, ध्यान देना सारी चीजों पर। पहले एक बार ब्लैंक मैप में रिवाइज, देखो साइप्रस जो है वो कई जगह पे यूरोप में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहां नहीं पढ़ाया, हम उसको यूरोप में पढ़ेंगे। साइप्रस यहां पर है, अगर आपको लोकेशन जानना है तो यहां पर साइप्रस आता है, कई जगह उसे यूरोप में कहा गया है, इसीलिए मैं उसको यहां नहीं लिखवाया हूं, ठीक है। यहां साइप्रस है, भूमध्य सागर में है, ठीक, इसलिए। चलो अब ध्यान दो, अपन आगे बढ़े, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद अपन सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, ध्यान देना दोस्तों मेरे साथ, ओके। ये सबसे बड़ा देश, यहां से हमने कहानी को शुरू किया था, ये कौन सा देश है? रूस। रूस से हम आगे बढ़े, हमको एक दूसरा देश मिला, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के बाद हम और आगे बढ़े, यहां हमें एक देश मिला नॉर्थ कोरिया। कौन सा देश मिला दोस्तों? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहां हमें एक, अच्छा चाइना था पहले, चाइना, चाइना के बाद हम नॉर्थ कोरिया पहुंचे, और नॉर्थ कोरिया के बाद हम साउथ कोरिया पहुंचे। कहां पहुंचे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से हम जापान गए दोस्तों। कहां पर? जापान। जापान के बाद हम ताइवान पहुंच गए दोस्तों, ताइवान, ठीक है। ताइवान से हम फिलीपींस पहुंच गए, फिलीपींस। फिलीपींस के बाद हम इंडोनेशिया पहुंच गए दोस्तों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से हम ईस्ट तिमोर पहुंच गए। कहां पर? ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ट, ठीक है। ये तिमोर लिस्ट से होते हुए हम वापस एक देश पर पहुंचे, और ये देश है ब्रुनेई। कौन सा देश है दोस्तों? ब्रुनेई। ब्रुनेई से हम एक कंट्री पर पहुंचे जिसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर। सिंगापुर से एक दूसरा देश मलेशिया। मलेशिया से
थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम, वियतनाम से लाओस, लाओस से हम सीधा पहुंचे म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार से हम पहुंचे श्रीलंका, श्रीलंका से हम पहुंचे मालदीव, मालदीव से हम भारत आए, भारत के बाद हम बांग्लादेश, बांग्लादेश से भूटान, भूटान से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ईरान, कहां पर पहुंचे? ईरान, ईरान से दोस्तों हम सीधा ऊपर चले गए और यहां हमें एक देश मिला अजरबैजान। कौन सा देश मिला? अजरबैजान। देखते जा रहे हो चीजों को। अजरबैजान से जॉर्जिया, कौन सा देश? जॉर्जिया, जॉर्जिया से अर्मेनिया, जॉर्जिया से अर्मेनिया, अर्मेनिया के बाद आप देखो तुर्की, तुर्की मिला आपको, तुर्की, तुर्की से हम पहुंचे सीरिया, सीरिया के बाद लेबनान, लेबनान से इजराइल, इजराइल से जॉर्डन, जॉर्डन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से यमन, यमन से ओमान, ओमान से यूएई, यूएई से कतर, कतर से बहरीन, बहरीन से कुवैत, और कुवैत से हम पहुंच गए इराक। इस तरह से दोस्तों हमने 48 प्रमुख देश कवर कर लिए, 48 मेजर कंट्रीज हमने कवर कर ली। अब आपका काम क्या क्या है? तो आपका काम यही है दोस्तों कि इन सारे देशों को कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार उंगली रख करके एटलस में देखना है। आपको एटलस में इन सारे देशों को देखना है। गिनी देखो, न्यू गिनी एक द्वीप का नाम है जग्गी जी, न्यू गिनी एक आइलैंड का नाम है जिसका ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा इंडोनेशिया में आता है और ये देश पपुआ न्यू गिनी के नाम से है। इजिप्ट एक देश का नाम है जिसे हिंदी में मिश्र कहा जाता है। चलो तो अभी तो सिर्फ देश हमने मैप पर देखे, अब टास्क क्या है? अब टास्क ये है कि बिना मैप के आपसे बन रहा है या नहीं, तो प्रैक्टिस शुरू करें एक बार और राजधानियों का नाम भी बोलेंगे, कैपिटल का नाम भी बोलेंगे, तभी तो मजा आएगा दोस्तों। अभी हम नीचे खाना खा रहे थे, बढ़िया हमने दाल लगाई और बढ़िया रोटी हमने मिलाई उसमें मिक्स करके, लेकिन तब हमारी मम्मी कैथा की चटनी लेकर के आ गई तो आनंद बन गया। तो सारी चीजें हैं, कैथा की चटनी का काम कौन करेगा भैया? आप जब राजधानियां बनाओगे तो कैथा की चटनी का काम हो जाएगा। ठीक, चलो ध्यान देना दोस्तों। कैथा को समझते हो ना आप लोग? नहीं तो कैथा भी नहीं जानते। कैथा को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? कैथा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कबीर बोलते हैं। हमको नहीं पता कैथा क्या बोलते, कैथा ही बोलते हैं। अरे वो होता है यार एक बड़ा अच्छा फल होता है, चलो कल दिखा देंगे आपको, कैथा नहीं जानते आप लोग? चलो कोई बात नहीं, कैथा ही बोलते हैं, कैथा ही बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे एक देश है, यहाँ से शुरू किया था हमने, रूस, रूस की राजधानी मॉस्को, ध्यान देना, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस से मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया से चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना से नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है, साउथ कोरिया से जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, क्या है? टोक्यो, जापान से ताइवान, ताइवान की राजधानी है ताइपे, क्या राजधानी है? ताइपे, ताइवान से फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, फिलीपींस से हम पहुंचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्या राजधानी है? जकार्ता, इंडोनेशिया से हम कहां पहुंचे दोस्तों? इंडोनेशिया से हम ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ट पहुंचे, तिमोर लेस्ट की कैपिटल है दिल्ली, क्या है दोस्तों? दिल्ली, तिमोर लेस्ट के बाद हम एक देश पहुंचे जिसका नाम है ब्रुनेई, ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनेई के बाद हम सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर से दोस्तों हम मलेशिया पहुंचे और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, क्या राजधानी है? कुआलालंपुर, अगर कमेंट नहीं कर रहे हो बोलना है, कमेंट करना जरूरी नहीं है, जरूरी है बोलना, ठीक है, बोलना जरूरी है आपको, कुआलालंपुर। फिर मलेशिया से हम थाईलैंड पहुंचे और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, कौन सा राजधानी है? बैंकॉक। थाईलैंड से दोस्तों हम कंबोडिया पहुंचे और कंबोडिया की राजधानी है नामपे, क्या राजधानी है? नामपे। कंबोडिया से हम वियतनाम पहुंचे और वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बाद में, कल क्लास में सुनाएंगे आपको वियतनाम युद्ध कैसे हुआ था, वियतनाम वॉर आपने सुना होगा। वियतनाम से हम कहां पर पहुंचे? यहां एक देश है लाओस, कौन सा देश है? लाओस, लाओस की कैपिटल विंतियन, क्या है लाओस की कैपिटल? विंतियन। लाओस को हम क्रॉस करके म्यांमार पहुंचे दोस्तों, कहां पहुंचे? म्यांमार, म्यांमार के बाद हम बहुत नीचे गए और यहां एक देश मिला श्रीलंका। म्यांमार की राजधानी क्या है? गुड, म्यांमार की कैपिटल याद रखना है नेपियादी या नेपियादा, जो भी बोला जाए नेपियादी, ठीक है। म्यांमार से हम श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। श्रीलंका से मालदीव हम पहुंचे और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव से हम वापस से फ्लाइट पकड़े और हम प्यारे से देश पहुंचे जिसका नाम है भारत, इंडिया, राजधानी न्यू दिल्ली, ठीक है।
इसके बाद इंडिया के बाद एक देश हमको मिला बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश से हम आगे बढ़े, हम भूटान पहुंचे और भूटान की राजधानी है थिम्फू। क्या राजधानी है? थिम्फू। भूटान के बाद दोस्तों एक अगला देश हमको मिला नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या राजधानी है? काठमांडू। नेपाल के बाद हम एक दूसरे देश पहुंचे, नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बाद अगला देश हमको मिला अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहां से दोस्तों अफगानिस्तान से हम एक देश पहुंचे जिसका नाम है तजाकिस्तान। कौन सा देश है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान से आगे बढ़े हम पहुंच गए किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान से थोड़ा आगे बढ़े हमें मिला कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान के बाद हम और आगे बढ़े, हमें एक देश मिला उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान से हम आगे मिले तो हमको एक देश मिला तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी अशगाबाद है। ठीक है, ये पांचों देश मध्य एशिया में आते हैं। तुर्कमेनिस्तान से हम आगे बढ़े तो हमको एक देश मिला ईरान। कौन सा देश मिला? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों। ईरान से हम आगे बढ़े तो हमको यहाँ एक देश मिला अजरबैजान। कौन सा देश मिला? अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। अजरबैजान से आगे बढ़े तो यहाँ एक देश मिला जॉर्जिया। कौन सा देश मिला? जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी येरेवान है। क्या है? येरेवान। ठीक है, लिबिसी, या माफ कीजिए, येरेवान ही है। क्या है कैपिटल? ठीक है, हाँ लिबिसी है। ठीक है, लिबिसी, माफ कीजिए। ठीक है, जॉर्जिया के बाद हम आगे बढ़े, यहाँ एक देश मिला आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया, यहाँ इसकी कैपिटल एरेवान है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आर्मेनिया से आगे बढ़े तो हमें यहाँ एक देश मिला तुर्की। कौन सा देश मिला? तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की के जस्ट नीचे हमको एक और देश मिला, इस देश का नाम है सीरिया। क्या नाम है? सीरिया। सीरिया जो है इसकी राजधानी दमिश्क है दोस्तों, दमिश्क। सीरिया के जस्ट नीचे हमको एक और देश मिला, और इस देश का नाम है लेबनान। क्या नाम है दोस्तों? लेबनान। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और लेबनान के बाद हमको एक और कंट्री मिली, इजराइल। और इजराइल की राजधानी क्या है? तेल अवीव। याद रखना, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इन चारों की सीमाएं भूमध्य सागर को छूती हैं, इन चारों की सीमाएं मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती हैं। इसके बाद हम यहां गए, हमें एक और देश मिला जॉर्डन। जॉर्डन नदी यहाँ से बहती है, और जॉर्डन की खाड़ी, जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्या है राजधानी? अम्मान। जॉर्डन के बाद हम आगे गए तो यहाँ हमें एक बड़ा सा देश मिला जिसे सऊदी अरब कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सऊदी अरब कहा जाता है। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है इसकी राजधानी दोस्तों? रियाद इसकी कैपिटल का नाम है। सऊदी अरब के बाद यहाँ एक देश मिलेगा यमन। कौन सा देश मिलेगा? यमन। यमन की राजधानी है साना। क्या राजधानी है? साना। यमन के बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ हमें एक देश मिला ओमान। कौन सा देश मिला? ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट। ओमान से आगे बढ़े तो यहाँ एक देश मिलेगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई से आगे बढ़े तो यहाँ आपको एक और कंट्री मिलेगी जिसे आप कतर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कतर। और कतर की राजधानी है दोहा। कतर के बाद आगे बढ़े तो यहाँ एक और देश मिलेगा जिसे बहरीन के नाम से जानते हैं, बहरीन। और बहरीन की कैपिटल मनामा है। बहरीन के बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक कंट्री मिलेगी कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। और फिर एक कंट्री मिलेगी इराक, और इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको राजधानियां भी याद हो गई, मैप भी याद हो गया। अब बस एक काम करना है, वो जो क्विज वाला मैप है ना, अभी अभी जस्ट इसके क्लास के तुरंत बाद, ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपको वो क्विज लगानी है उस ऐप में जाकर के, जो ऐप हमने आपको भेजा है। ठीक है, तो वहां जाकर के आप क्विज लगा लेना। ठीक, ओके, ऑल गुड। ओके गाइस, सो दिस वाज दीज ऑल वर द कंट्रीज ऑफ एशिया। ये पूरे एशिया के देश थे। कल एक बहुत छोटी सी क्लास है, मुश्किल से आधे घंटे की क्लास होगी, जस्ट हमने रख ली एज अ रिवीजन, आप मान के चलो 12 बजे से रख ली हमने क्लास। और उस क्लास में ना ये जो फैक्ट हमने आपको दिया है, कल ही मैं आपको सुना दूंगा वियतनाम की कहानी, ये जो फैक्ट हमने आपको दिया है, ये रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अच्छा चलो, कहानी आपको सुना देते हैं, छोटी सी कहानी सुनोगे, सुनो थोड़ा सा मजा आएगा आपको। वर्ल्ड मैप निकाल लो, पर एक कहानी सुनाते हैं आपको। चलो वर्ल्ड मैप निकाल के सुना देते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप। दुनिया में दो खतरनाक देश हैं, बहुत ही डेंजरस, इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक देश है अमेरिका, एक देश रशिया। खतरनाक देश है दोस्तों, खतरनाक क्यों का कारण आपको सुनाता हूँ, खतरनाक क्यों का कारण आपको सुनाता हूँ। आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा कोल्ड वॉर, एक शब्द आपने सुना होगा कोल्ड वॉर, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। देखो क्या हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो अमेरिका और रूस के बीच में
एक अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया, एक इनडायरेक्ट वॉर शुरू हो गया, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। सर, आप इसे कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं, हम इसे शीत युद्ध क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी अमेरिका और रूस की आपस में लड़ाई नहीं हुई, ना रूस का एक भी व्यक्ति सीधे सीधे मरा, ना अमेरिका का एक भी व्यक्ति सीधे सीधे मरा। मतलब यह हुआ, ना रूस की जमीन पर खून बहा, ना अमेरिका की जमीन पर खून बहा, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में पूरी दुनिया की जमीन पर खून बह गया। दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं मैं, इन दोनों की लड़ाई में पूरी दुनिया की जमीन पर क्या बह गया, खून बह गया। दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल वियतनाम का। अच्छा, लड़ाई क्यों है ये भी सुन लो, लड़ाई क्या है ये भी सुन लो। देखो, जो रशिया है दोस्तों, रूस, तो रूस जिस मॉडल को फॉलो करता है, उस मॉडल का नाम है दोस्तों साम्यवादी मॉडल या समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि यहां पर पूंजीपतियों, या सिंपल भाषा में कहें कि पूरे के पूरे व्यापार सरकार खुद करती है, जबकि अमेरिका जिस व्यवस्था को फॉलो करता है उसे पूंजीवादी मॉडल कहा जाता है, उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या सरकार में सभी लोगों को यह अनुमति होती है कि उन्हें जौन सा व्यापार करना है कर लो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी भारत में, दो मिनट के लिए एग्जाम्पल ले लो, अगर रूस में चाहे सुई बने या चाहे हवाई जहाज बने, ये पूरी की पूरी चीजें सरकार खुद बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर आके नहीं बनाएगा। लेकिन अमेरिका में चाहे सुई बने चाहे हवाई जहाज बने, ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोग बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी। इसी को पूंजीवादी और ये मॉडल कहा जाता है। तो कहा जाता है कि दुनिया में दो पावरफुल ग्रुप थे, एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन दोनों डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, इनडायरेक्ट लड़ रहे थे। जैसे अपन लोग की कभी कभी लड़ाई होती है तो अपन लोग सीधे नहीं बोलते, ठीक है, किसी के थ्रू बोल देते हैं कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लड़ रहे, इनडायरेक्ट पूरी लड़ाई हो जा रही है दोस्तों, इनडायरेक्ट पूरी की पूरी लड़ाई हो जा रही है। लेकिन इनकी इनडायरेक्ट लड़ाई में पूरी दुनिया जल गई। एग्जांपल समझो, सबसे पहले क्या हुआ, इनका उद्देश्य रहता था कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ। तो इन्होंने जैसे एक वियतनाम युद्ध की कहानी सुनो, ये वियतनाम का नक्शा है, ये वियतनाम का नक्शा है। तो ये वियतनाम का, ये जो इलाका है वियतनाम का, ठीक है, ये उत्तरी इलाका है, और ये जो इलाका है ये दक्षिणी इलाका है। तो उत्तरी इलाके पर रूस का दबदबा हो गया। अब जैसे ही पता पड़ा कि रूस का दबदबा हो गया है उत्तरी वियतनाम पर, तुरंत दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका पहुंच गया। तो पता ये क्या करते थे, रूस वाले यहां पर गोलियां चलाते थे और अमेरिका वाले यहां पर गोलियां चलाते थे। कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध में 23 करोड़ के आसपास बॉम्ब गिराए गए थे आसमान से, और कुछ लड़ाई नहीं है, वियतनाम की कोई गलती नहीं है दोस्तों, वियतनाम अमेरिका और रूस के बीच में फंस गया और इतनी तबाही वियतनाम में हुई। अब मुझे बताओ ये कोल्ड वॉर है कि नहीं? ना रूस की धरती पे लड़ाई हो रही है, ना अमेरिका की धरती पे लड़ाई हो रही है, वो हवाई जहाज से आके मार रहे हैं, ये हवाई जहाज से आके मार रहे हैं, दोनों ने कहानी खत्म कर दी। सेम कहानी हुई अफगानिस्तान, सेम कहानी कहां पर हुई, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पे पहले रूस ने अपना दबदबा करना चाहा, तो जैसे ही रूस ने अपना दबदबा करना खड़ा करना चाहा, अमेरिका ने यहां पर यहां के लोगों को तालिबान बना डाला। क्या बना डाला? तालिबान बना डाला भैया, तालिबान बना डाला, उन्हें चुन चुन के सबको मार डाला, ठीक है। फिर अमेरिका को लगा कि चलो अब तालिबान है तो तालिबान हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन तालिबान उनका बाप निकला। तालिबान कहां पर गया? तालिबान ने एक दिन हवाई जहाज उठाया, वो अमेरिका पहुंचा, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही उड़ा डाला। अब और बड़ी दिक्कत हो गई अमेरिका को, फिर अमेरिका बेचारा मारा 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 वापस अफगानिस्तान में घुस गया, और अफगानिस्तान में अपने 62 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए अमेरिका ने, और अमेरिका यहां से हार के चला गया। वियतनाम से भी अमेरिका हारा, अफगानिस्तान से भी अमेरिका हारा, लेकिन दोनों देशों का बेड़ा गर्क करके चला गया। वियतनाम तो फिर भी संभल गया, लेकिन अफगानिस्तान आज भी बर्बाद हो गया, और अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस तरीके से। ऐसे करके उन्हें बहुत सारे देश, इनका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा दोस्तों मिडिल ईस्ट के देशों, ये जो देश है सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, इनको पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने अमेरिका और रूस की लड़ाई में, तेल की लड़ाई, ठीक है। दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये कंट्रीज ने कितना नुकसान किया है दुनिया का। तो इसे कहा गया कि ये कोल्ड वॉर है, क्योंकि दोनों तरफ का एक भी व्यक्ति सीधा सीधा नहीं मरा, उन्होंने पूरी दुनिया को लड़ा दिया, पूरी की पूरी दुनिया को लड़ा दिया। अब देखो इसका बहाना देखो, अमेरिका का बहाना देखो, अमेरिका इराक में पहुंचा, कहा कि भैया आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम आपके यहाँ डेमोक्रेसी देकर के जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा कार्टून बना है, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ना, कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए, अरे भैया हमें रोटी नहीं खाना, नहीं खाओ, हमें रोटी नहीं खाना, खाओ, टूट दिया हमें, हम अपच हो गए, हम बर्बाद हो गए, समझ रहे हो आप लोग। और वहीं जस्ट वहीं सऊदी अरब है, सऊदी अरब में नहीं कहा, सऊदी अरब में नहीं कहा कि चलो हम डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे, वहां इनकी बात नहीं खुली गई। तो ये होता है कोल्ड वॉर की कहानी, समझ रहे हैं आप लोग, दिस इज समथिंग दैट कोल्ड वॉर ने किया। और मैं, मुझे आप गलत भी कह सकते हो, पर मैं जानता हूं कि दुनिया का 90% रायता अमेरिका का फैलाया हुआ है, ठीक है। अमेरिका ने इतना स्वार्थ के लिए देशों को बर्बाद किया ना, हद से ज्यादा। और अब उस रास्ते पर कौन निकल गया दोस्तों, उस रास्ते पर निकल गया है चाइना, ठीक है। और अगर सच में हम चीन को कंट्रोल नहीं कर पाए, काउंटर नहीं कर पाए, तो याद रखना ये भी दुनिया का बहुत बड़ा खबाड़ा करेगा, क्योंकि ये देशों को फंसा रहा है अपने डेट ट्रैप में, समझो, ये देशों को उनकी औकात से ज्यादा कर्ज देता है और फिर उस देश को ऑलमोस्ट अपना गुलाम बना लेता है। याद रखना ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर मुझे आपको मेरा गुलाम बनाना है, मैं तुमको तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा दूंगा कर्ज के रूप में, और तुम कर्ज नहीं चुका पाओगे तब मैं तुमको अपने यहाँ बंधुआ मजदूर रख लूंगा,
समझ रहे हो आप उस चीजों को? इन चीजों को इसीलिए हम कहते हैं इंडिया को, आप कैसा भी कहे, देखो पॉलिटिकल तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वेन एवर यू टॉक अबाउट मिस्टर नेहरू यू नीड टू बी वेरी 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 मच केयरफुल, क्योंकि उन्होंने सच में भारत को गुट निरपेक्ष के आंदोलन में रख लिया और गुट निरपेक्ष का आंदोलन करके भारत को अलग कर दिया। उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने भारत में उस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, जिस समय हमारे पास रोटी भी नहीं थी, उस समय भारत में फैक्ट्रियां लग रही थी, उस समय भारत में IIT खोलने की बात कही जा रही थी। रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया कि भारत 2014 में आजाद हुआ है, तो समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल दूं उस बारे में। देखा उसको तो मैं बड़ा दुखी हुआ, और सबसे बड़ा दुख की बात क्या थी कि वहां पे सब तालियां बजा रहे थे जहां बोला गया। तो याद रखना दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंडिया We are a nation, और नेशन बहुत पहले से आगे बढ़ता है, ठीक है? You have to remember it, ठीक? तो इसीलिए कभी भी अपने ऊपर चीजों को, हमेशा मैं क्या कहता हूँ आपसे, लॉजिक हमेशा जिंदा रखना मेरे दोस्त, लॉजिक मत गवा देना कहीं पर भी, ठीक है? खुद का दिमाग जिस दिन गवा दोगे, और अगर अभी प्लीज प्लीज मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्टूडेंट हो, आपको पूरे न्यूज चैनल से दूर रहना है, सिर्फ एक चैनल दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी को छोड़ करके, बाकी हर एक चैनल का अपना एक सेट एजेंडा है, ताकि सबके सब एंटरटेनमेंट चैनल है, तो उनसे बेहतर है एकता कपूर का सीरियल देख लेना, उससे कुछ नहीं तो भावनात्मक ज्ञान तो मिल ही जाएगा, इमोशनल नॉलेज तो मिल ही जाएगा। जब भी खबर पढ़ोगे राज्यसभा टीवी आपको देखना है, जो आपके काम की खबरें दिखाता है, बाकी एक एजेंडा चल रहा है उससे दूर रहो, ठीक है? आप प्लीज, आपको पढ़ना है, बार बार में जब आप लोगों से बात करता हूँ ना, कभी ऑफलाइन अगर आप उससे मिलने आते हो तो 2 मिनट में मुझे आपका पता पड़ जाता है कि आप किस चीज में जी रहे हो, ठीक है? प्लीज बी केयरफुल, अपना लॉजिक जिंदा रखो, ठीक? चलो तो याद रखो, और ये कुछ कहानी थी छोटी छोटी, ये समझ में आएगा आपको, पता है जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना, आपको पूरे मैप समझ में आ जाएंगे, फिर अभी जब हम एक एक देश को पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एक बहुत बड़ी सिटी है, हो चिन मिन करके है शायद, या हो चिन मिन या हो मे चिन करके, ये उसकी कंट्री है, सिटी है कि वियतनाम की, हो चिन मिन, हो चिन मिन वहां के नेता का नाम है जिन्होंने दोस्तों इस चीज को खत्म कराया था वियतनाम वॉर को, इसीलिए उनके नाम पर उसका नाम रख दिया गया हो चिन मिन शहर, ठीक है? हो चिन मिन सिटी वो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, पढ़ना कभी आपको टाइम मिले, नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, हल्का आपको चीजें की जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दुनिया में होता था, ठीक है? चलो तो खत्म करते हैं क्लास को, जल्दी हो गया आज तो कल 12 बजे एक छोटी सी क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, और नहीं ये देखो गाइस गाइस देखो, एक छोटी सा बताऊं, मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ये जो मैपिंग की क्लास है, डोंट टेक इट ओनली फॉर अ सिलेबस, ठीक है? डोंट टेक इट ओनली फॉर सिलेबस, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि आपको सिलेबस अकेले तरीके से मत पढ़ो, इसे आप हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ो, कि ज्योग्राफी में भी आपको ये काम आएगी, न्यूज पढ़ते समय भी आपको काम आएगी, और सारी चीजें। और देखो मैं चाहूँ तो सिर्फ आपकी मैपिंग करा दूँ, लेकिन हम बातें क्यों करते हैं इसमें कि यहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ, कि थोड़ा थोड़ा आपको पता चलते जाएगा कि कौन से देश का क्या महत्व है, कहाँ पर क्या लड़ाइयाँ होती रही, कौन सा विवाद चल रहा है, न्यूज में क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप देखना शुरू कर दोगे। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ ये है कि मैं एक तरीका डेवलप कर दूँ आपका, और जब आपका तरीका डेवलप हो जाएगा तो फिर सभी चीजें आप ही को तो करना है, है ना? मैं तो सिर्फ आपकी एक छोटी सी मदद कर रहा हूँ, ठीक है? तो एनवायरनमेंट की क्लासेस भी लगातार हो रही हैं, प्लीज आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित सर और प्रशांत सर, दी गाइज आर द लेजेंड, गाइज दी गाइज आर द लेजेंड, ठीक है? तो वो अलग ही बात होती है, ठीक है? चलिए तो कल आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए, और ये मेरा कोड है दोस्तों SDLIV, प्लीज अगर अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो मेरा कोड SDLIV जरूर आप इस्तेमाल करें, ठीक है? जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और स्पेशल क्लास के लिए भी आप मेरा कोड लगा सकते हैं, डाउट बॉक्स कह रहे हैं लोग, ठीक है? सर प्लीज हेल्प मी, हम जरूर रिपीशन बार बार हो जाती है क्या? अपर्णा जी देखो ये आपके ऊपर है, रेगुलरिटी वाली बात, आपको एक टारगेट बनाना होगा, अपने आपको देना होगा, और प्रतिदिन उस टारगेट के हिसाब से आपको काम करना होगा, करना चाहिए, ठीक है? और फिर हम कल की क्लास में से बात करेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं बिगिनर के लिए एक लेक्चर बना दूंगा। अच्छा गाइस किसी ने क्लास 6 और 7 देखा है, उसमें डबल आवाज आ रही है क्या? चलो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए थैंक यू, एक बार आप लोग चेक कीजिए, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।